प्रश्न नंबर पहला, 3^4 × 3^5 × 3^-9 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, गुणा में जब आधार समान हो तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो लिखेंगे 3^4 × 5 − 9, ये घाते हैं, ये क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो ये जाएगा 3^5 = 9 ± −9। 3^3 कितना हो जाएगा, 9 में से 9 = 0। जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। प्रश्न नंबर 2, 2/3^2, 4/9^2, 2/3^-4। अब देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आधार चेंज है। यहाँ पर 2/3 लिखा है, यहाँ पर 2/3 लिखा है, और इसमें आधार क्या है, चेंज है। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं, हम लिख देते हैं 2/3² गुड़े, अब ये लिखा है 4/9 लिखा है, इसको हम लिख देंगे 2/3^2। ये लिखा है जो लिख दें, देखिए 2/3 × 2/3² अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। ये 4/9 ही होगा, यानी 2/3² तो ये 4/9 है। तो ये पहले लिखा है 4/9^2 गुड़े 2/3^-4। अब देखते हैं 2/3^2 गुड़े, यहाँ पर लिख देंगे 2/3। देखिए घातों की हो जाती है गुणा, जैसे लिख देते हैं 1^m और बाहर लिखा है n, तो हो जाते हैं 1^m और n, यानी m इंटू n, घातों की क्या हो जाती है, गुणा। तो इसी प्रकार यहाँ पर 2^2 = 4 गुड़े 2/3^-4। अब देखते हैं गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कब, जब आधार समान हो। तो आधार है 2/3, 2/3, 2/3 समान है, तो हम लिखेंगे 2/3^2, जो घात लिखी हो 2, 4 और ये −4, ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2/3^ कितना, 2, 4, 6 और ये ±−4, यानी हो जाएगा 2/3^ 6 में से 4 = 2, यानी 2/3^2, यानी 2/3 × 2/3, 2^2 = 4/9 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, 1/2 − 2, सॉरी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, गुड़े 2^2 का मान होगा। तो देखते हैं 1/2 लिखा है यहाँ पर, की घात −2, तो इसको अगर व्युत्क्रम कर दें यानी पलट दें, यानी 2 लिख दें, तो ये घात ये जो माइनस का लगा है ये प्लस की हो जाएगी, गुड़े 2^2। तो ये हो जाएगा 2^2 लिखा है, और 2^2 यानी ये 4 × 4, इसका आंसर होगा 16। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3^-3 और 3^5 का मान होगा। तो देखते हैं आधार समान है तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो पहले लिखेंगे 3 और घाते लिख देंगे −2 और 5, घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हो जाएगा 3^5। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, तो जब निशान विपरीत होते हैं तो संख्या घट जाती है। तो 5 में 3 = 2 = 3, और निशान वो होता है जो बड़ी संख्या में होता है, तो निशान बड़ी संख्या में प्लस का है, तो ये प्लस का ही होगा, यानी 3^3, यानी 3 × 3 × 3, 3×3 = 9 × 27, इसका आंसर कितना होगा, 27। अतः विकल्प कौन सा सही है, 4। प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/3^-2, 3^2 / 3^-3। तो देखते हैं सबसे पहले हम लिख देंगे इसको, अगर व्युत्क्रम कर दें यानी 1/3 को लिख दें 3, तो ये जो माइनस की घात है किसकी घात हो जाएगी, प्लस की, गुणे 3^2, भाग का निशान लगा रहने देंगे। अब एक 3 लिखा है, तो अगर हम इसको लिख दें 1/3, तो ये घात किसकी हो जाएगी हमारी, प्लस की। अब देखते हैं 3^2 गुणे 3^2, अब अगर हम भाग की जगह, भाग की जगह गुणा का निशान लगा दें, तो 1/3 यानी 1/3, 1/3, 1/3 जो लिखा है तो ये पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, यानी 3^3। भाग की जगह जब गुणा का निशान लगा देंगे तो 1/3 की जगह हो जाएगा ये 3^3, तो अब हो जाएगा 3^3, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2 + 2 + 3, यानी 3^2, 2, 2, 4, 3, 7, यानी 3^7। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, 7^4 1/7^3 / 7। देखते हैं 7^4 गुड़े 1/7^3 है, 1/7
1/7, 1/7। और यहाँ पर जो भाग का निशान लगा है, भाग की जगह जब गुणा का निशान लगाएंगे तो ये दर्जा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो ऊपर हो गया 7 की घात 4 और नीचे भी हो गया 7 की घात 4। अब क्या करते हैं देखते हैं, आधार समान है, भाग है, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो ये हो जाएगा 7 की घात 0। जब किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। या यहाँ पर देख ले, अगर ऐसे हम काट देते हैं इसको तो भी कितना आंसर आता, 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 3 की घात 0, 3 की घात -1, +3 की घात -2। तो देखते हैं 3 की घात 0, जब किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। अब यहाँ पर देखते हैं 3 की घात -1 लिखा है, तो अगर ये जो 3 लिखा है इसको अगर हम व्युत्क्रम कर दें, यानी 1/3, तो ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी प्लस की घात 1, यानी कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ पर भी वही बात, 3 की घात -2 लिखा है, तो इसको हम व्युत्क्रम कर दें, यानी 1/3 लिख दें, तो ये घात क्या हो जाएगी, प्लस की, यानी 1 और 1/3, और 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/3 × 1/3, ये कितना हो जाएगा, 1/9, तो 1/9। अब जो हम लासा लेंगे, देखिए यहाँ पर 1/ में मान लिया लिखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर हर आएगा, लासा आएगा हमारा 9, यानी तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 9 से इसमें, 3 से इसमें, तो ऑलरेडी 9 लिखा है, यानी 9 एकम 9, 3 एकम 3, +1/9, 9 3 12 1 13/9, इसका आंसर कितना होगा, 13/9। क्वेश्चन नंबर 4, 3 की घात 3, तो लिखेंगे 3, ये जो घात है उसकी गुणा हो जाती है 3 3 9, भाग 3 की घात 25 × 3 की घात 4 × 4, 4 चक्कू 16। फिर लिखेंगे 3 की घात, पहले गुणा ले देखते हैं, 3 की घात 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 भाग 3 की घात 25। अब भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, 25 - 25, यानी 3 की घात 0। जब किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। ये हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 6, 2 × 3 की घात 6 × 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 2 3 6, यानी 6 की घात 6 × 6 की घात -3। अब देखते हैं आधार समान है, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो घाते यानी 6 और -3, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे 6 की घात 6 ± -3, यानी हो गया 6 की घात 6 में से 3 गया 3। ये हमारा आंसर हो गया, यानी 6 × 6 × 6, यानी 216 आया, 6 × 6 = 216। एक दूसरी भी से भी इसको लगा सकते हैं, देखिए कैसे, 2 × 3 × 6, यानी 2 3 6 की घात 6 × 6 की घात -3। देखो यहाँ पर -3 लगा, तो इसको व्युत्क्रम कर दें, यानी 1/6, तो ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी 6 की घात 6 × 1/6 × 1/6 × 1/6। अब देखते हैं ऊपर आ गया 6 की घात 6, नीचे आ गया 6 की घात 3। अब भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, 6 में से 3 गया, यानी 6 की घात 3, आंसर वही आएगा, 216। प्रश्न नंबर 7, 4 × 5 ((1 − 2) / 1/10 / 2 + 3/4 को सरल करो। तो अब देखते हैं, हम लिखेंगे 4 × 5 = 20 / (-2). अच्छा देखते हैं, भाग की जगह जब गुणा निशान लगाएंगे तो ये दर्जा पलट जाता है। देखिए भाग की जगह गुणा निशान लगाते हैं तो दर्जा पलट जाता है, या अगर घात माइनस में दिया हो तो उसको अगर प्लस में बनाना है तो दर्जा पलट दिया जाता है, यानी व्युत्क्रम कर दिया जाता है। तो भाग की जगह गुणा निशान लगाया तो ये दर्जा क्या हो गया, पलट गया, यानी 10 की घात 2। फिर मंझला ब्रैकेट, फिर 3/4। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पर 20 की घात -2 लिखा है, अब अगर घात को प्लस बनाना है तो क्या संख्या को क्या कर देंगे, व्युत्क्रम, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/20 / 2 × 10 / 2 + 3/4। अब देखते हैं इसको हल करेंगे, 1/20 × 1/20 × 10 × 10 मंजिला ब्रैकेट, 3/4। अब देखते हैं 10 एकम 10 × 20, 10 × 20, तो ये संख्या आ गई हमारी, ऊपर आ गया 1 एकम 1, यानी 1, और 2 × 4 + 3/4। अब देखते हैं 1/4 + 3/4 हर बराबर है हमारा, तो 3 × 1 = 4/4, यानी कितना हो गया, 1। ये हमारा आंसर हो गया, 1।
प्रश्न नंबर आठ, मंझला व्याकरण 3/5 3 बटे 5 की घात 1 3 बटे 5 की घात 2 भाग 7/5 की घात 2। तो देखते हैं हम, अगर किसी का घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, अगर किसी की घात 1 हो तो उसका मान वही होता है जो संख्या लिखी होती है, प्लस 3/5 का स्क्वायर यानी 3/5 यानी 3 9/25। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/25, फिर भाग 7/5 का स्क्वायर यानी 7/5 ये हो गया 49/25 अब देखते हैं हर जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर 25 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 5 से, और यहाँ पर 1 लिखा है तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 25 से। अब देखते 25 प्लस 5 15 प्लस 9/25 भाग 49/25। अब देखते हैं 25 15 40 में 49/25 हल हो गया। अब देखो भाग की जगह जब गुणा के निशान लगेगा तो दर्जा क्या होगा, पलट जाएगा यानी 25/49 25 से 25 49 से 49 आंसर आ गया हमारा 1। प्रश्न नंबर 9, 2^-2 माइनस मझला ब्रैकेट माइनस 2^-3 माइनस छोटा ब्रैकेट 2^-2 माइनस 3^-2 को सरल कीजिए। तो देखते हैं 2^-2 लिखा है, तो देखो यहाँ पर घात कितनी लिखी, माइनस की 2, तो क्या करेंगे अगर इसको हम पलट दें तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, माइनस ये माइनस का 2 लिखा है और घात किसकी है, प्लस की, तो क्या करें इसको हम पलट दें 1/2 लिख दें तो घात ये किसकी हो जाएगी, प्लस की, माइनस छोटा ब्रैकेट 2^-2 लिखा है तो इसको पलट दें यानी 1/2, माइनस 3^-2 लिखा है इसको भी पलट दें 1/3, फिर छोटा ब्रैकेट। फिर देखते हैं 1/2 यानी 1/2 × 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस, यहाँ पर देखते हैं माइनस की 1/2 घात विषम है तो निशान माइनस का ही आएगा, कितना आ गया 1/8 माइनस 1/2 यानी 1/4 माइनस 1/9 1/3 × 1/3 यानी कितना हो गया 1/9 ब्रैकेट बंद। अब इसको हल कर लें दोबारा, देखते हैं 1/4 माइनस माइनस का 1/8, अब देखते हैं माइनस इसको हल कर लें 1/4 और माइनस 1/9 1/4 − 1/9 तो इसका लास्ट आएगा 36, तो इसमें 9 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे इसमें 4 से, तो 9 × 9 − 4 = 4/9 = 36 लास्ट यानी 5/36 तो ये आ गया 5/36। फिर लिखेंगे 1/4 माइनस, अब इस ब्रैकेट को हल कर ले, देखिए माइनस का 1/8 और माइनस का 5/36 तो 8 और 36 का लासा होगा 72, तो इसमें 36 दोना 72, इसमें 8 9 72 9 × 9 माइनस का 9 और 5 × 2 = 10 माइनस का 10/36 × 72 तो ये हो गया हमारा माइनस का 19/72, ये माइनस का 19/72 आया, ये यानी ये ब्रैकेट हल किया जब कितना है माइनस का 19/72 और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी माइनस का 19/72। तो अब देखते हैं इसको लिखेंगे 1/4 माइनस माइनस प्लस 19/72। अब देखते हैं हर बराबर करेंगे तो 4 लिखा है यहाँ पर 18 चौक 72 तो अब हमारा यहाँ पर होगा 18 × 18 और 72 प्लस 19/72 हर तो बराबर है तो इसको हम लिख देंगे 72, ऊपर जोड़ देंगे 18 19 कितना हुआ 37 यानी 37/72। अभ्यास 2D द एंड। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे बनने वाले हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।